कॉमिक स्टूडियो अड्डा में आपका स्वागत है। तो मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक स्टोरी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सीधे बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक है जिसका नाम है साबू का अपहरण। अमेरिका का करोड़पति स्टुअर्ट अपने दफ्तर में, हाँ तो ये साबू के फोटोग्राफ हैं। इस आदमी में क्या खास बात है? सर ये आदमी नहीं, साबू है, जुपिटर प्राणी, कोई 20 फुट ऊंचा है। खूब, अगर इसे पिंजरे में बंद करके शहर शहर घुमाया जाए तो खूब दौलत इकट्ठी हो सकती है, इसे खरीद लो। मगर इसके मालिक इसे बेचने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं, तो फिर इसे यहाँ कैसे लाओगे? अगवा करके, लेकिन इस काम के लिए आपको मुझे $2,00,000 देने होंगे। देंगे, मैं हर कीमत पर उसे पाना चाहता हूँ। अमेरिका से एक जंबो जेट और एक हेलीकॉप्टर चल पड़े। और इधर, साबू आज बाहर मत जाओ, मेरी बाई आंख फड़क रही है, कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ नहीं होगा चाची। और चाचा जी, घबराओ नहीं भगवान, साबू कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वह रहा साबू, एक्शन। जंबो जेट ने साबू पर गैस छोड़ता हुआ निकल गया। ओह, साबू बेहोश होकर गिर पड़ा। लोहे का जाल उस पर फेंको। यह गया, हेलीकॉप्टर को जल्दी बुलाओ। अरे, साबू को जाल में डालकर ले जा रहे हैं, चाचा चौधरी को बताना चाहिए। हेलीकॉप्टर साबू को ले उड़ा। चाचा जी, कुछ बदमाश साबू को पकड़कर ले गए हैं। कुछ निशानी उनकी? उनके हेलीकॉप्टर पर अमेरिका लिखा था। चाचा जी जहाज लेकर अमेरिका को रवाना हो गए। साबू को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक स्पेशल मकान में बंद पाया। खूब, इससे हम काफी धन कमा लेंगे। कड़ा पहरा रखना, कहीं यह भाग ना जाए। हमें साबू को अमेरिका में सब तरफ ढूंढना पड़ेगा। वह देखो, उस इमारत में एक बड़ा सा हाथ निकल रहा है। कुछ भी हो, इतना बड़ा हाथ साबू का ही हो सकता है। लेकिन उसके चारों तरफ कड़ा पहरा है। उसका इलाज मेरे पास है। जाओ टिंगू मास्टर, ट्रिक नंबर 115 अपनाओ। अच्छी बात है। और फिर, अरे देखो, आसमान से डॉलर बरस रहे हैं, लूटो। हाहा, लगता है चाचा चौधरी कहीं आसपास ही हैं। इतने डॉलर गिरे हैं कि सारा दिन इकट्ठा करो तो भी ना हो पाए। यही मौका है, लेकिन उस इमारत पर तो ताला लगा है। मेरे पास एक ऐसी मास्टर की है जो दुनिया भर की ताला खोल सकती है। साबू, ताला खुल गया, बाहर आ जाओ। आ गया। उस हवाई जहाज पर सवार हो जाओ। चाचा जी, आपने मेरे लिए इतने डॉलर क्यों बरसाए? कौन से डॉलर? वो सब तो नकली थे। हा हा हा। चीन झपट बकरी। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बकरी को घास खिलाने। क्या मैं भी साथ चलूं? चलो। गेंडा राम देखो, चाचा चौधरी बकरी के साथ आ रहा है। तो क्या हुआ? अरे गेंडा राम, जैसा तेरा शरीर है वैसी तेरी अकल मोटी है। चाचा चौधरी का दिमाग तेज होने का यही राज बकरी है। हाँ, महात्मा गांधी भी बकरी का दूध पीते थे और वो भी बुद्धिमान थे। बरा, तो हमने अक्ल हासिल करने का राज जान लिया है। चाचा चौधरी की बकरी हम छीन लेते हैं, उसका दूध पीने से हमारी मूर्खता भाग जाएगी। वाह चाचा जी, लगता है वे दोनों आदमी हमें मारने को आ रहे हैं। फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। चौधरी, यह बकरी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें बकरी चाहिए, ये लो। चाचा जी, आपने तो उसे बकरी चुपचाप दे दी, बकरी कहीं नहीं जाएगी। गेंडा राम ठहर, बकरी कहाँ लिए जा रहा है? यह बकरी मैंने छीनी है, इसीलिए यह मेरी है। लेकिन उसे पहले मैंने देखा था, इसका दूध मैं ही पीऊंगा। तू होश में तो है? मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरी यह हिम्मत? धाम धूम, वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। आहाहा। चीनी अजगर। रोल्डो पॉकेटमार का चीनी दोस्त चिनचिन चीन से एक चीनी ड्रैगन लेकर आया। ही ही, रोल्डो किधर है तुम्हारा दुश्मन? अरे चिनचिन, ये तू क्या ले आया? मैंने कोई ऐसी ताकतवर चीज लाने को कहा था जो शाबू को हमेशा के लिए खत्म कर दे। ही ही ही, रुल्दू भाई, तुमने अभी हमारे ड्रैगन की ताकत नहीं देखी है। ड्रैगन अपना कर्तव्य दिखाओ। ड्रैगन फुरकार मारता है, उसकी सांस से आग की लपटें निकलती हैं, सामने का पेड़ जलकर राख हो जाता है। वाह चिंचिन भाई,
यह ड्रैगन साबू को सचमुच जला कर राख कर देगा। लो वह साबू भी आ रहा है, होशियार। लो लंबू, अब हमको हमारे ड्रैगन को सलाम करो। मच्छर, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। तभी फुंकार, साबू का चेहरा झुलस जाता है। ओह साबू, ट्रिक नंबर 95। साबू भागकर पीछे की तरफ जाता है। ओह उसकी पूछ, अर बचाओ, बाप रे भागो। विचित्र षड्यंत्र, अरे भगवान, आज टिंगू मास्टर दिखाई नहीं दे रहा। वह मछली पकड़ने का कांटा लेकर सवेरे ही निकल गया था। मछली पकड़ने का कांटा लेकर? हाँ, वह कह रहा था इतनी बड़ी मछली पकड़ कर लाऊंगा कि किसी ने देखी ही ना हो। साबू आओ मेरे साथ, मुझे डर है कहीं मछली ही टिंगू मास्टर को खींच कर समुद्र में ना ले जाए। थोड़ी दूर पर, इस डब्बे में तेजाब है, जब चाचा चौधरी इधर से गुजरेगा तो उस पर डाल दूंगा, काम तमाम हो जाएगा। उसके आने में भी देर है, तब तक बैठकर आराम करो। साबू तू उस रास्ते जा, मैं इस रास्ते जाता हूँ। चाचा चौधरी आ रहा है, तैयार हो जाओ। तभी, हैं? ये आदमी मांस का बना है या फौलाद का? तेजाब फेंकने पर भी वैसा का वैसा ही है। तुम्हारा तेजाब का डिब्बा यह रहा, जो हाथ में है वह तो पानी का डिब्बा है, मैंने दोनों बदल दिए थे। अब गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसको भाई। जब मैंने देखा ये लोग तुम्हें मारने का षड्यंत्र बना रहे हैं, तो मैं मछली पकड़ने नहीं गया और उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। ओ टिंगू मास्टर। चिड़ियाघर में, साबू आओ चिड़ियाघर चलें। और चिड़ियाघर, भाइयों आपका जो दिल चाहे देखो, पर अफ्रीका के भालू के पास न जाना, वह नया आया है और आदमियों को देखकर भड़क जाता है। परंतु कौतूहलवश कुछ लोग अफसर की आंख बचाकर अफ्रीका के भालू के पास चले गए। भालू भड़क उठा, उसने अपनी असीमित शक्ति से उस लोहे की सलाखें तोड़ दी। भागो, खूंखार भालू छूट गया, बचाओ। हाय मेरा बच्चा, कर। तभी साबू आ गया। भालू साबू पर टूट पड़ा, इस जानवर में तो बड़ी ताकत है। जल्दी से किसी मजबूत पिंजरे का दरवाजा खोलो। लो दरवाजा खुला है। उसी समय उस दरवाजे के बंद कर दिया गया। लो साबू ने उसको भी बंद करवा दिया। हा हा हा। टिंगू मास्टर की शामत, अरे साबू जरा इस बिस्तर को तो झाड़ दे। अब भी लो चाचा जी। और फटाक, ओह अरे जम्बू, अरे लंबू तुम्हें दिखाई नहीं देता, उस बिस्तर में मैं सो रहा था। माफ करना टिंगू मास्टर, तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। इसने यहाँ मेरा सोना हराम कर दिया है, बाहर जाकर सोता हूँ, यह पेड़ की छाव में अच्छी नींद आएगी। और थोड़ी देर बाद टिंगू मास्टर सो जाता है। पेड़ के सूखे पत्ते झड़कर टिंगू मास्टर पर गिरने लगते हैं और थोड़ी ही देर में टिंगू मास्टर ढक जाता है। तभी एक म्यूनिसिपलिटी की ट्रक वहां पर गुजरता है। अरे साबू भैया, वह पत्तों का ढेर उठाकर इस ट्रक में डाल देना, अभी लो। अरे मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? शहर के बाहर कूड़ा दान में ढेर में। आहा, बेचारा वहां भी नहीं सो पाया। अप्रैल फूल, अरे जग्गू आज कौन सी तारीख है? अप्रैल की पहली तारीख। पहली तारीख को लोग तनख्वाह मिलती है, उनके घरों में खूब माल होता है, चोरी के लिए अच्छा दिन है। देखो उधर घर की खिड़की खुली है, घुस लो। अज्जी सुनते हो, साथ वाले कमरे में खटखट की आवाजें हो रही हैं। जल्दी करो, लगता है घर वाले जाग गए। तभी, अरे दूसरा संदूक क्यों छोड़ दिया, वह भी तो लेते जाओ। अरे देखते क्या हो, मैं खुद तुम्हें दे रहा हूँ, भागो। अरे हवा के झोंके से मेरी पगड़ी उड़ गई और मेरी टोपी। चलो मारो गोली पगड़ी टोपी को, संदूक से भरे माल को बेचकर नई खरीद लेंगे। एक बात समझ में नहीं आई, उसने हमें दूसरा संदूक हमें क्यों दे दिया, बेवकूफ था। अब संदूक को खोलकर माल निकालना चाहिए। अरे इसमें तो बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, मैं भी अपना देखूं। है वैसा ही बोर्ड मेरे संदूक में लिखा हुआ है। चलो यह पगड़ी और टोपी बेचकर खाली संदूक के पैसे निकल आएंगे। हा हा हा, दोनों का अप्रैल फूल बना दिया।
तो आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।